गाइस टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज का कैमरा ऑन करते ही पहले मैं आपको ये दिखा दूं, मीटर देख लो 64 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी आज तक की बेस्ट क्वालिटी माइलेज है जो मैंने इस पर देखी है। तो अभी मैं 32 किलोमीटर घर से चलाया हूँ, मीटर ट्रिप मीटर जीरो करके आया था मैं घर से। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ बटाड़े की तरफ, बटाड़े से होकर मेरे अमृतसर जाऊँगा। इसका कारण ये है कि मेरे को कोई वहाँ पे काम है, थोड़ा सा जरूरी सा काम है, तो वहाँ पे वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाऊँगा ना मैं बताऊँगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल आप समझा करो। तो अभी मैं एक काम से और रुके थे, इसकी वजह से मैं अभी देखो 10:46 के अप्रोक्स टाइम हो चुका है। तो बढ़िया शूट आने के कारण मेरे को लगा कि हाँ ये कैमरा एंगल बिल्कुल बेस्ट है। बस इसमें एक दो दिक्कत ये है कि मैं कैमरा अपना देख नहीं पाऊँगा कि कैसा एंगल आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। पहला कैमरा जो एंगल था वो मैं देख पाता था कि कैसा एंगल आ रहा है कैसा नहीं। अभी इस माइलेज का राज ये है, अभी तो ये ड्रॉप होगी, तो इसलिए मैंने इंस्टेंट कैमरा ऑन करके आपको जितना भी हो सका जल्दी से जल्दी बता दिया। ये 64 किलोमीटर मैक्स ऑफ माइलेज है, इतनी मैंने देखी भी नहीं होगी यहाँ पे अभी तक, तो ना किसी मेरी तीनों बाइक में से आती है। तो ये भाई पहली माइलेज है, मैं देख के बहुत खुश हुआ इसको। तो अभी ये पता नहीं इसमें मीटर आ रहा है क्या है क्या नहीं, पर आज मैं इसको मेनटेन करके 100-110 इतना मैं मेनटेन करके आया हूँ उसको चला के। तो शायद उसके कारण ये माइलेज देती है, क्योंकि मैंने आगे भी इसको टेस्ट करके देखा है पहले भी, अगर इसको ज़्यादा स्पीड चलाऊँ ना मैं तो ज़्यादा माइलेज देती है, अगर धीरे धीरे चलाएं तो कम माइलेज देती है। तो आज ये बटाड़ा शहर आपको काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला होगा। अभी थोड़ी सी पैडलिंग वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई आना जाना थोड़ा कम हो चुका था, कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, मे बी आगे वीडियो में रेगुलर भी मैं कम हो पाऊँ तो कोशिश करेंगे। बाकी जो भी आपको दिखेगा व्लॉग वगैरह तो वो बना दिया करेंगे भाई, मैनेज कर लेना भाई, स्पोर्ट वगैरह करते रहा कर, जितने भी बंदे देखते हैं शेयर कर दिया करो थोड़े बहुत ही, हमको भी मोटिवेशन आती रहती है ऐसे वीडियो बनाने में, ऐसे थोड़े से मोटिवेट रहेंगे। अगर वीडियो डालते हैं रिस्पॉन्स नहीं आता अच्छा तो कोई बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, चीज़ों को छोड़ के बात करते हैं अभी जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मस्त एकदम खड़े होकर चलाते हैं, यहाँ पर रिएक्शन बहुत तगड़े तगड़े मिलते हैं। तो आज स्पेशली मैं 2 पार्ट में भी बना दूँ उसके, एक तो भाई मैं रिएक्शन का तो पक्का बनाऊंगा, क्योंकि सर्दी भी आ चुकी है यहाँ पे, मौसम में भी तब्दीली आ चुकी है। ये आज मैं जैकेट वगैरह इसीलिए पहन के आया हूँ कि मौसम भाई चेंज हो चुका है, ठंड पड़ती है यहाँ पे बढ़िया वाली सुबह सुबह, दोपहर को थोड़ा सा टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाती है पर ठंड फिर भी होती है। तो अभी पेट्रोल पम्प, अरे दे दिया सजनों बच गए तो भाई ये भी बहुत लेजी ड्राइवर से बच के रहना पड़ता है। इतने भी आप प्रो हो ना, एक सामने वाला गलती करेगा तो आपकी सारी प्रोनेस वहीं की वहीं रह जाएगी। ये देख के चला करो भाई, ये सबको सजेशन देता हूँ मैं, इसलिए बोलता हूँ कि गेट अप होकर चला करो, सभी जितने भी बंदे हैं मेरे को देखते हैं कुछ चीज़ तो सीख लो। तो दिल तो मेरा कर रहा है सामने से ओवरटेक मार दूँ, पर सामने डिवाइडर है ना, दांत वाँत सुबह सुबह तोड़वाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को अभी। बाकी यहाँ पर ना जितने भी अरे 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 ट्रक बड़ा ट्रक है, ये मिला अपने को कॉन्टेंट। अब इसका डलेगा थंबनेल भाई, काली कमीज की तो ऐसी ही टैसी हो चुकी है, ग्लव्स भी देख लो गंदे हो चुके, मिट्टी पड़ती मिट्टी कितनी पड़ती थी उसके अंदर। स्टार्टिंग में एक्सीडेंट मिलता हुआ बहुत बुरा हुआ भाई, टायर वगैरह पूरे भाई निकल चुके हैं इनके, लोडेड था देख के बहुत बुरा लगा। अभी सर्दियाँ आई हैं भाई उसके कारण भी ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो फिलहाल इसी टायर के साथ मैं पहुँच चुका हूँ अमृतसर के अंदर भाई, बहुत ही प्यारे तरीके से चलाया जा रहा है। 1 आवर भाई ये 2 आवर प्लस का रास्ता है, 2 आवर तो लग ही जाते हैं मतलब कि किसी भी हालत में। आज मैं 1 आवर में पहुँच चुका हूँ, तो आप बाकी अंदाजा वगैरह लगा ही लो कैसे आया होगा मैं। गोल्डन टेम्पल का रास्ता अगर दिख रहा हो तो आपको थोड़ा सा फ्लैक्स करते हैं, घड़ी देख लो कितनी बढ़िया सी है, ये देख लो इसको भी मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आज मैं मुझे पहुँचा चीज़ें आपको बता दूँ, अमृतसर में जो बंदे आते हैं यहाँ पे ना कैमरे बहुत काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो उनका भाई खास तौर पर ना ध्यान रखा करो कि अगर आप स्पीड लिमिट ज़्यादा क्रॉस कर रहे हो या फिर रूल नहीं फॉलो कर रहे तो घर से चला लेंगे उसे सर। तो भाई देख लेना, ये मैंने ज़रूरी इन्फॉर्मेशन समझी दे दी आपको। ड्राइवर कितना वाइड है, 2-2-4 अंकल भी देख रहे हैं हमें बहुत ही प्यार से, ऐसे ना मुझे तुम देखो प्यार हो जाएगा। तुम्हें तो बंद कर देते हैं, हमारे पास फूल पैसे वैसे ही कम है भाई साहब। देख लो भाई यहाँ पे सभी मानते हैं लगभग ना, जितने भी बंदे हैं फूल वगैरह
मानते क्या, मानने पड़ेंगे इनको, नहीं मान के जाएंगे कहाँ, चलान कटेगा सीधा। वो नहीं चाहते हमारा चलान कट जाए और हम स्पीड ब्रेकर से डर जाएँ। हम नहीं डरते, हम उचक के निकल जाते हैं, यू नो, उचक के बल्कि कूद ही मार के। भाई तो खड़े रहते हैं भाई, भाई मैंने तगड़े वाले सस्पेंशन दे रखे हीरो वालों ने, निकल जाती भाई, दिक्कत ही नहीं आती कोई, बस बंदा चाहिए भाई बैलेंस करने वाला। ये भी नहीं कि सीधी बाइक निकल जाएगी, अगर बंदा भी थोड़ा सा ढीला है तो भाई ज़मीन पे माथा टिकते हुए टाइम लगेगा आपका।